हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो V30 5G मोबाइल में आप ऐप को हाइड कैसे कर सकते हो। जैसे कि आपके फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन है उसको हाइड करना चाहते हो, उसके कैसे हाइड कर पाओगे, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको थोड़ा नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपको देखते हो सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से थोड़ा नीचे चले जाना। नीचे जाने देखते हो आप यहाँ से प्राइवेसी एंड ऐप इंटरेक्शन का ऑप्शन देखने मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पासवर्ड में बनाना है पासवर्ड, तो यहाँ से आपको उस पर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आपको पैटर्न में भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से पैटर्न में चेंज लगाना चाहते हो उस पर पैटर्न में पासवर्ड लगा सकते हो। तो यहाँ से आप पैटर्न में लगा के दिखा देते हैं। तो यहाँ से आपको फिर से वही कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आपको यहाँ से सिक्योरिटी आंसर डाल लेना है। तो यहाँ से देखते हो हम डाल ले रहे हैं। तो यहाँ डालने के बाद आपको डन करना। डन करने के बाद देखते हो आप ऐप हाइडिंग का ऑप्शन देखने मिलेगा, उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने बाद आपको यहाँ से जो भी ऐप को हाइड करना चाहते हो तो उसको यहाँ से अनेबल कर देना है। तो यहाँ देखते हो हम जो हाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से देखते हो कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने बाद आपको यहाँ देखते हो व्यू हिडन ऐप्स का ऑप्शन देखने मिलेगा, तो यहाँ से उसको अनेबल कर देना है। तो यहाँ बैग जाके दिखा देते हैं ऐप हाइड हुआ कि नहीं, अमेजोन स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। तो यहाँ देखते हो अमेजोन हमारे स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है कहीं भी। तो यहाँ से आपको अगर देखना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको दो उंगली लेना है, तो यहाँ से नीचे से ऊपर को खींच देना है। तो यहाँ से देखते हो अपना जो भी आप ऐप पे लॉग लगाए तो यहाँ से वही पैटर्न बना लेना है। तो देखते हो अमेजोन हमारा हाइड किया तो यहाँ से आ गया। इस तरह से आप अपने मोबाइल में ऐप को हाइड कर सकते हो। वीडियो अच्छा है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।